नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे IDBI बैंक में जो जूनियर असिस्टेंट मैनेजर और अन्य पदों के लिए जो आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं, वो आवेदन फॉर्म हम कैसे ऑनलाइन करेंगे, इसमें हमें क्या दस्तावेज लगेंगे, संपूर्ण जानकारी हम आपको आगे वीडियो में विस्तारपूर्वक स्टेप बाय स्टेप देंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, IDBI बैंक में जो जूनियर असिस्टेंट मैनेजर सेल्स एंड ऑपरेटर के लिए जो आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं, वो आवेदन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हमें गूगल पर सर्च करना है IBPS.in। जैसे आप IBPS.in सर्च करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से आप इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन के जो ऑफिशियल पोर्टल है, इस पर आ जाओगे। उसके बाद में दोस्तों, यहाँ पर जो लेटेस्ट न्यूज़ चल रही है, इसमें जो फर्स्ट वाली सेकंड वाली लिंक है IDBI रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर असिस्टेंट मैनेजर सेल्स एंड ऑपरेशन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट फॉर्म 22 नवंबर से चालू हो गए, तो इस पर हमें क्लिक हेयर वाले जो ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से हम IDBI बैंक में जो असिस्टेंट मैनेजर भर्ती के लिए आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं उसके ऑफिशियल पोर्टल पर आ जाएंगे। उसके बाद में दोस्तों, 22/11 से इसके आवेदन चालू हो गए और 6 दिसंबर इसकी अंतिम दिनांक है। उसके बाद में हमें क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमें 6 स्टेप में फॉर्म फिल करना है, बेसिक इन्फॉर्मेशन, फ़ोटो सिग्नेचर, डिटेल, प्रीव, अपलोड और पेमेंट। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले हमें आवेदक का फर्स्ट नेम, कंफर्म फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम जो भी है वो यहाँ पर आपको देना है, जो कि आपकी कक्षा 10वीं की मार्कशीट के अनुसार आपको डाटा फिल करना रहेगा। उसके बाद में यहाँ पर मोबाइल नंबर देना है, कन्फर्म मोबाइल नंबर देना है, ईमेल आई डी देनी है, कन्फर्म ईमेल आई डी देनी है, कैप्चा कोड देना है और सिंपल से सेव नेक्स्ट पर हमें क्लिक करना है। जैसे हम जानकारी डालकर सेव नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर आपको जो एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा और उसका पासवर्ड मिलेगा, ये किसी कागज़ पर नोट कर ले, इसको कॉपी करके सुरक्षित रख ले। उसके बाद में दोस्तों, हमें फ़ोटो और जो भी सिग्नेचर है वो सिग्नेचर स्कैन कर हमें यहाँ पर अपलोड करना है, चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और सिंपल से नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे हम फोटो और सिग्नेचर अपलोड करके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों, हमें अब थर्ड नंबर वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे डिटेल में, तो जिसमें सबसे पहले हमें 2 स्टेप में फॉर्म फिल करना है। सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन और उसके बाद में क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस लैंग्वेज डिटेल फिल करनी है। तो सबसे पहले हमें बेसिक डिटेल में पोस्ट का चयन करना है, आप कौन सी पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इसकी रूल बुक पढ़ ले, रूल बुक के अनुसार जो भी पोस्ट के लिए आप अवेलेबल, यानी कि आपकी जो योग्यता उसके अनुसार आप अपनी पोस्ट चयन कर ले। जैसे हम पोस्ट का चयन करेंगे उसके बाद में हमें कैटेगरी का चयन करना है, जो भी कैटेगरी आपकी वो कैटेगरी का चयन करें। कैटेगरी का चयन करने के बाद में आर यू पर्सन बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यदि विकलांग है तो यस को सिलेक्ट करें, उसकी जानकारी दें, अन्यथा नो को सिलेक्ट करें। उसके बाद में स्क्रॉल कर नीचे आना है, आर यू पर्सन विद स्पेशली डिसेबिलिटी यदि है तो यस को सिलेक्ट करें, अन्यथा नो को सिलेक्ट करें। उसके बाद में आर यू चाइल्ड फैमिली मेम्बर तो डिड इन 1984, तो इसमें यदि है तो यस को सिलेक्ट करें, अन्यथा नो को सिलेक्ट करें। उसके बाद में यहाँ पर धर्म का चयन करना है। उसके बाद में दोस्तों, आप माइनॉरिटी कम्युनिटी में आते तो यस को सिलेक्ट करें, अन्यथा नो को सिलेक्ट करें। यदि एक सर्विसमैन में है तो यस को सिलेक्ट करें, अन्यथा नो को सिलेक्ट करें। उसके बाद में यहाँ पर प्लेस डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिस, यानी कि डोमिशियल, यानी कि आपका कौन से जिले के निवासी, वो जिले का चयन करना है। उसके बाद में स्टेट का चयन करना है। उसके बाद में नेशनलिटी का, इंडिया का चयन करना है। तो ये जानकारी आपको फिल कर लेना है, जो भी आप पर लागू है, आपकी जो भी जानकारी यहाँ पर जानकारी चयन कर ले। उसके बाद में डू यू एडवांस रिपोर्ट रिकॉर्डिंग कैरेक्टर, यदि आप पर कोई कोर्ट केस वगैरह है तो यस को सिलेक्ट करें, अन्यथा नो को सिलेक्ट करें। उसके बाद में हमें एग्जाम सेंटर के लिए सबसे पहले स्टेट का चयन करना है, जो भी स्टेट के आपको एग्जाम सेंटर लेना है स्टेट का चयन कर ले। उसके बाद में सेंट्रल एग्जामिनेशन यहाँ पर आपको चयन कर लेना है। उसके बाद में जोन ऑफ पोस्टिंग का चयन कर लेना, तो आप नियम पुस्तिका में पढ़ ले, उसके अनुसार यहाँ पर आपको चयन करना है। उसके बाद में स्टेट ऑफ पोस्टिंग भी ले लेगा। उसके बाद में आईडी कार्ड नंबर, तो यहाँ पर आपको 2 ID कार्ड देना है। तो सबसे पहले आप पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, बैंक, आधार, जो भी आपके पास उपलब्ध है वो सिलेक्ट करें, उसका नंबर दे। और सेकंड आईडी में आपके पास जो भी है, जैसे आप पहले आधार को सिलेक्ट किया तो आपको अब दूसरी आईडी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है, उसके नंबर देना है। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ देनी है। उसके बाद में दोस्तों, यहाँ पर जेंडर का चयन करना है।
यदि जुड़वा भाई बहन है तो यश को सिलेक्ट करें, उनकी जानकारी देने तो नो को सिलेक्ट करें, उसके बाद में मेरिड अनमेरिड जो भी उसका चयन करना है, उसके बाद पिता माता का नाम देना है, और यदि आप मेरिड है तो पति या पत्नी का नाम दें, अन्यथा इसको छोड़ दें। उसके बाद में यहाँ पर जो भी आपका एड्रेस है वो एड्रेस देना है, और कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो चेकबॉक्स पर आपको क्लिक करना, तो आपका एड्रेस सेम हो जाएगा। उसके बाद में यदि आप OBC जनरल कैटेगरी में आते हैं तो चूज द एड्रेस ऑफ GST इनवाइस ये लिखा आएगा, और ST SC को सिलेक्ट करोगे तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस सिलेक्ट करना है, और उसके बाद में यहाँ पर इसके आवेदन शुल्क शो होगी। तो ये जो भी पोस्ट के अनुसार आवेदन शुल्क है वो यहाँ पर कैटेगरी के अनुसार जो भी शुल्क है वो शो होगी। उसके बाद में वैलिडेट यूर डिटेल पर आपको क्लिक करना है, और सिंपल से 7 नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप 7 नेक्स्ट पर क्लिक करोगे, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जो है आपका जो भी ग्रेजुएशन की जानकारी है, तो सबसे पहले आप नेम ऑफ द कॉलेज का नाम देना है, यूनिवर्सिटी का नाम देना है, डिग्री देना है जो भी कर रखा है, उसके बाद में पासिंग डेट देना है, उसके बाद परसेंटेज देना है, उसके बाद में ग्रेड देना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी वो यहाँ पर देना है। उसके बाद में यहाँ पर यदि सेमेस्टर है तो आपको जो भी सेमेस्टर है वो सेमेस्टर की जानकारी देना है, और यदि आपने डिग्री एयरली कर रखी है तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और थर्ड ईयर की जानकारी दे, तो आपकी यहाँ पर टोटल परसेंटेज वगैरह आ जाएगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन की जानकारी यदि है तो वो दे, नहीं तो इसको छोड़ दे। उसके बाद में डू यू हैव, आपको कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए तो यहाँ पर यस को सिलेक्ट करना है, और जो भी आपका यदि आपने कंप्यूटर डिग्री वगैरह कर रखी है तो वो दे, अन्यथा जो भी आपने सर्टिफिकेट कर रखा है वो दे। उसके बाद में यहाँ पर आपको नो को सिलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपका यदि आप ST SC OBC कैटेगरी के कैंडिडेट है तो आप इसकी जो प्री ट्रेनिंग लेना चाहते तो यस को सिलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको नॉलेज लैंग्वेज नॉलेज में आपको सबसे पहले हिंदी का चयन करना है, उसके बाद में रीड राइट स्पीच देना है। इसी तरीके से आप और अन्य भाषा भी यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद में वैलिडेट डिटेल पर क्लिक करना है, और सिंपल से 7 नेक्स्ट पर हमें क्लिक करना है। जैसे आप 7 नेक्स्ट पर क्लिक करोगे, उसके बाद में दोस्तों आपको एक प्रीव्यू पेज दिखेगा, सारी जानकारी आपकी दिखेगी, आपको सारी जानकारी अपनी मिलान कर लेना है। सारी जानकारी मिलान करने के बाद में स्क्रॉल कर जैसे नीचे आओगे तो यहाँ पर आई एग्री पर हमें क्लिक करना है, और सिंपल से कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। यदि आपको इसमें किसी तरह का संशोधन करना है तो बैक पर क्लिक करके इसमें संशोधन कर सकते हैं, और संशोधन नहीं करना तो सिंपल से कंप्लीट रजिस्ट्रेशन वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। जैसे आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको फोटो लेफ्ट थंब और हैंडराइटिंग स्कैन कर अपलोड करना है, 2 दस्तावेज अपलोड करना है। दस्तावेज अपलोड करने के बाद में कैप्चा कोड दिख रहा है देना है, सिंपल से 7 नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों आप हैंडराइटिंग और थंब इंप्रेशन कैसे स्कैन कर अपलोड करोगे, उसके बाद में गाइडलाइन दी गई है, इस पर आप क्लिक कर ये जानकारी भी देख सकते हो, और उसके अनुसार अपनी थंब लेफ्ट थंब और हैंडराइटिंग स्कैन कर अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद में पेमेंट का ऑप्शन खुलेगा, तो आप जो भी नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जिससे भी इसका पेमेंट भुगतान करना है इसका पेमेंट भुगतान कर ले। पेमेंट भुगतान करने के बाद में जो रिसिप्ट आपको प्राप्त होगी सुरक्षित संभाल कर अपने पास रख लेनी है। तो दोस्तों IDBI बैंक में जो जूनियर असिस्टेंट मैनेजर भर्ती के लिए जो आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं वो आवेदन फॉर्म आपको इस तरीके से फिल करना है। आवेदन फिल करने के बाद में जो रिसिप्ट आपको प्राप्त होगी सुरक्षित संभाल कर अपने पास रख लेनी है। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके जरूर बताना है। किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो हमें कमेंट्स करना, हम आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और हमें सपोर्ट करना। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।